मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमें ये तो मालूम होता है कि हमें ये करना है, लेकिन जाने अनजाने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, वो जो मानव स्वभाव होता है, तो इस चीज़ के बारे में मुझे आपसे जानना था। प्लीज हैव अ सीट। गलती करने का डर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं, हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हैं तो हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो पूरी लाइफ के लिए हमारे साथ वाले लोग भी उस बात को भुला नहीं पाते हैं, हम खुद भी भुला नहीं पाते हैं, हो जाती हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, जस्ट लेट इट गो। ठीक है जी, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं, चलता है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही करप्ट हो जाओ अंदर से और कहो कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियों का पुतला नहीं हो, बेवकूफियों का पुतला हो। हाउ डू वी एक्ट, कभी सोचा है? हाउ डू वी एक्ट, कैसे आप एक्ट करते हो? सोच करके करते हो, बिना सोचे करते हो? आपकी ब्रेथ अपने आप चल रही है, डू यू से कि मैं कर रहा हूं? अपने आप हो रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो दिस इज नॉट एक्शन। एक्शन की डेफिनेशन अभी हमको पता नहीं है। एक्शन मींस कि मैंने कुछ किया। अगर लेटे हुए हो आप और रात को सो रहे हो और अपने आप ही सोए इस तरफ सर करके थे और जब उठाए तो देखा सर इधर हुआ पड़ा है, घूमे पड़े हो, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, हो जाता है ऐसा, तो क्या वो आपने किया या वो हुआ? हाँ, तो पहले इसको हमको अच्छे से समझ लेना है। तो जो हुआ उसके बारे में तो सोचना ही नहीं, क्या हो सकता है इस दुनिया में आपके साथ में, आपके थ्रू या आपके साथ में, क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है? कितना भी बुरा हो सकता है। तो अगर वो हो जाए तो सबसे पहले क्या समझना है कि क्या ये हुआ है या मैंने किया है, क्या सामने वाले ने ये किया है या ये हुआ है। हम इतना भी फर्क नहीं कर पाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो क्या पीछे से जिसने आपको ठोका है उसने वो किया है या गलती से हुआ है, वो उसकी आप शक्ल से आइडिया लगा सकते हो जैसे उतरते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं कि तूने जानबूझ के किया। अबे जानबूझ करके क्यों मारेगा तुमको वो? एक्सीडेंट हो गया है, किया नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, बट हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। या गलती भी है तो जानबूझ करके उसने नहीं किया है, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि कुछ गलत करे, आराम से गाड़ी चला रहा था, फिर भी हो गया है। तो वहां पर क्या करना है, उस सिचुएशन को लेट गो, लाइटली लेना है, हो गया, जीने का मतलब यही है, कुछ भी हो सकता है जी। अभी अर्थक्वेक आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो अगर आ जाए तो क्या है, ये आपने किया है, किसी ने किया है। हाँ, अब आप क्या कहोगे, भगवान ने किया है। देखो ये यही गड़बड़ हो जाती है, समझ गए ना, कुछ जो खच्चर होंगे वो बोल देंगे नहीं ये भगवान ने किया, भगवान के पास और कोई काम नहीं है इससे बेटर कोई काम नहीं है, तो किसी ने नहीं किया, ये क्या हुआ है, हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर, होना था, हो गया है। तो आराम से यहाँ पर बैठो, दबे पड़े हो गए कहीं, ये सब गिरा पड़ा होगा ऊपर और मजे से मर जाओ, समझे। अब वहां पर रोना क्या है, बैठ करके खुशी खुशी जाओ इस दुनिया से, क्योंकि ये हुआ है, किसी ने किया नहीं। तो पहले आराम से समझना पड़ेगा उस सिचुएशन कि हुआ है या किया है। वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है उसको छोड़ देना पड़ेगा, एज इट इज देखना पड़ेगा, कूलली आराम से ठंडे दिमाग से, गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी कि गलती आपसे भी हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है। कई बार हम इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रखते, फिर हम उसकी वजह से भी दुखी होते हैं। ऐसे बंदे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जो अपनी लाइफ में गलतियों की गुंजाइश नहीं रखते, दूसरा कोई गलती करे तब भी दुखी होते हैं और खुद करे तो और ज़्यादा दुखी होते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया। अबे औरों से हो सकता है, तेरे से क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए, हुआ है या किया है। अब अगर किया है तो क्या करें, तो वहाँ पर सही एक्शन क्या है, आराम से समझना पड़ेगा उसने क्या किया है, किस इंटेंशन के साथ किया है और उसकी पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट जरूरी है वहां पर। अगर किसी ने कुछ किया है, जानबूझ करके किसी का मर्डर किया है और आपको नहीं तो हुआ है, अरे हुआ नहीं है भैया, उसने लेकर के घोपा है अंदर, ऐसे ऐसे चाकू घुमाया है, मतलब पूरे होशो आवास में उसने कांड किया है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं मिली तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी, पूरी दुनिया ऐसी हो जाएगी, चारों तरफ यही होगा। तो जो आदमी गलत करे, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड ने जानबूझ करके कुछ किया है, चार लोगों के सामने आपको बहुत ही बदतमीजी से आपसे बात करी है,
तो वो हुआ नहीं है, उसने किया है, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको जताना पड़ेगा, उसको पनिश करना पड़ेगा। पनिश मतलब ये नहीं कि आप भी मारो पीटो या रात को सो रहा है तो सुबह तक बंदा हाथ लटका पड़ा है, ये नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पनिशमेंट। अब देखना पड़ेगा क्या किया है उसी लेवल की पनिशमेंट। ठीक है, दो दिन तक बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट वो बंदे को रियलाइज हो। अगर ये आप नहीं करोगे तो क्या होगा, उसकी आदत बन जाएगी या नहीं बनेगी? आज उसने चार लोगों के सामने किया है, कल आपके घर वालों के सामने भी करेगा, बार बार करेगा, अकेले में भी करेगा, सबके सामने भी करेगा, एग्रेसिव भी होता चला जाएगा। तो जब किसी भी गलती की शुरुआत होती है वहीं पर उसको रोक देना चाहिए।